हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आप में से कई दर्शक, कई क्लाइंट्स मुझसे ये सवाल कर चुके हैं, पर्सनली भी, कमेंट्स के माध्यम से भी, मैसेज के माध्यम से भी, कि सर ये चंद्र कुंडली होती क्या है, चंद्र कुंडली का महत्व क्या है, क्या लग्न कुंडली ही सब कुछ है या फिर दूसरी कुंडलियां भी कुछ काम की हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये चंद्र कुंडली को लेकर के है। चंद्र कुंडली के बारे में मैं आपको ओवरऑल चीजें बताऊंगा, हालांकि ये बात कहना कि ओवरऑल बता दूंगा वो इस 15 मिनट के वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष जो है ये एक महासागर है, इसको 15 मिनट के वीडियो में कोई भी नहीं बांध सकता। तो ये तो महासागर है, और जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते तब तक आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता नहीं चल पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको बता पाऊँ। दोस्तों, चंद्र जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारे माने जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उसकी वजह यह होती है क्योंकि चंद्र मन के कारक हैं। मन यानी आपकी सोच, साइकोलॉजी, आप क्या सोचते हैं। अब आप क्या सोचते हैं का क्या मतलब है? आप जो सोचते हैं वो आप हैं। आप क्या हैं? आप जो सोचते हैं वो आप हैं। आपकी साइकोलॉजी आप हैं। आप जिस तरह से बिहेव करते हैं वो आप हैं। और ये बिहेवियर, ये सोच, ये क्षमता, कुछ कर पाने की क्षमता, ये कहाँ से आती है? दिमाग से आती है, कोई शरीर से तो आती नहीं है। अब भाई, एक हाथी है, हाथी को एक छोटा सा इंसान जो है वो कंट्रोल करता है। तो शारीरिक क्षमताओं का आप अंदाज़ा लगाइए, किस में शारीरिक क्षमता है, किस में ज़्यादा है। ऑब्वियसली हाथी में ज्यादा, लेकिन इंसान कंट्रोल कर पा रहा है तो इंसान की मानसिक क्षमता जो है वो ज्यादा है, उस वजह से कंट्रोल कर पा रहा है। कहने का मतलब मन, साइकोलॉजी, दिमाग, बुद्धि, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके ही कारक होते हैं चंद्र। और चंद्र जो लग्न में, चंद्र जहां पर बैठते हैं, जिस नंबर के साथ बैठते हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, यदि उसी नंबर को लग्न में लेकर के आ जाए तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं चंद्र कुंडली। आपको यदि चंद्र कुंडली नहीं निकालते आती, हालांकि आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप सॉफ्टवेयर में जाकर के चंद्र कुंडली के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपको आपकी चंद्र कुंडली मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपकी जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के जिस भी नंबर पर आपके चंद्र लिखे हों, उस नंबर को लेकर के आ जाइए। कहां पर? पहले भाव पर, पहले घर पर, लग्न पर। तो कहने का मतलब चंद्र को पूरा उस नंबर के साथ उठा करके आपने लग्न पर ले आए, पूरा पूरा ही वो जो कुंडली है वो रोटेट हो गया, और अब जो कुंडली बना उसे कहेंगे चंद्र कुंडली। अब ये चंद्र कुंडली जो है ये आपकी साइकोलॉजी को डिसाइड करेगी, आपकी मन स्थिति को डिसाइड करेगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ है मेरे पास, पैसा भी है, परिवार भी सब कुछ ठीक ठाक है, सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन मन पता नहीं क्यों परेशान रह रहा है, मन पता नहीं क्यों आपको डिप्रेशन में लग रहा है, चिंताओं में लग रहा है, तनाव में लग रहा है। तो इसके लिए जब आप लोग ऐसा कुछ प्रश्न करते हैं तब भी हम चंद्र कुंडली का अध्ययन करते हैं। इवन मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, चंद्र कुंडली पर ही आधारित होते हैं। क्यों? हालांकि वो राशिफल सामान्य स्तर पर होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो सामान्य स्तर पर हैं, लेकिन चंद्र राशि पर इसलिए आधारित होते हैं, चंद्र कुंडली पर इसलिए आधारित होते हैं, क्योंकि जब आप उत्साहित होंगे, जब आप सही सोच में रहेंगे, जब आपकी साइकोलॉजी सही से काम करेगी, तभी आपको किसी एक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। तय है, यह निश्चित है। आपने यदि सही कार्य किया है सही जगह पर रह करके, तो ही आपको सफलता मिल सकती है। और वो कार्य कहाँ से करेंगे? मन से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, साइकोलॉजी से करेंगे। और ये चीज जो है ये चंद्र कुंडली आपकी बताती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लग्न कुंडली जो है उसको जो एनालिसिस करें वो आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इनसे एनालिसिस किया जाए। और चंद्र कुंडली है इसका जो एनालिसिस हो वो गोचरों से हो। अब कैसे एनालिसिस हो चंद्र कुंडली का? तो एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि आपका जो चंद्र है
लग्न कुंडली पर वो 9 नंबर के साथ लिखा हुआ है। 9 नंबर यानी धनु राशि। अब उसको लग्न यदि उसको चंद्र कुंडली पर लेकर के आते हैं तो यहां पर धनु लग्न की चंद्र कुंडली बन गई। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो धनु लग्न है उसके स्वामी कौन है, गुरु। तो गुरु का स्थिति कैसा है चंद्र कुंडली में, अब यह मैं धनु लग्न वालों के लिए बता रहा हूं। हो सकता है आपकी चंद्र कुंडली का लग्नेश कोई और भी हो, जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर का स्वामी, जो भी नंबर हो उस जो भी राशि हो उस राशि का स्वामी जो होगा वो लग्नेश हो जाएगा पहले भाव में ऑब्वियसली। तो लग्नेश का स्थिति देखिए कैसा है चंद्र कुंडली में, कहीं वो चंद्र कुंडली के तीसरे छठे आठवें या 12वें भाव में तो नहीं प्लेस्ड है। साथ ही साथ चंद्र से जो दशम भाव पर जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, कहीं नीच राशि स्थित ग्रह तो नहीं है चंद्र से। ऑब्वियसली चंद्र लग्न पर है तो वहां से दशम भाव जो होगा वो ऑब्वियसली 10th हाउस ही होगा कुंडली का। तो वहां पर ग्रह जो है वो कहीं नीच राशि तो नहीं है, कहीं मारक तो नहीं है, कहीं वो चंद्र को प्रभावित करने वाले ग्रह तो नहीं है, कहीं वो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट तो नहीं है, इसे भी देखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको जैसा मैंने पहले बताया गोचरों को देखना है, तो आप जो हैं अभी का गोचर देखिए, आज का गोचर देखिए कि चंद्र जो हैं वो इस चंद्र कुंडली में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। ऑब्वियसली चंद्र पहले घर में तो लिखे होंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर पहले घर में तो 9 नंबर लिखा है, लेकिन चंद्र जो हैं वो गोचर कर रहे हैं कुंडली के 8वें भाव पर, 8वें भाव पर चल रहे हैं, तो वो मन स्थिति को वैसा बनाएंगे। मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्ति को होगी, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी जैसा फीलिंग होगा। हो सकता है वो प्रैक्टिकली भी किसी वजह से हो, लेकिन हो सकता है कि उसके पास सारी चीजें हों उसके बावजूद भी उसे चिंता तनाव डिप्रेशन का स्थिति महसूस हो। यदि चंद्र जो है वो गोचर करते हुए 6ठे भाव में आकर के बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बीमारी फीलिंग होगी, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू फील होगा, कहीं ना कहीं खर्चा फील होगा। इसी के साथ साथ जो गोचर आप देख रहे हैं किसी दूसरे ग्रह का भी यदि गोचर की हम बात करें तो यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि तीसरे छठे आठवें या 12वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पर गोचर कर रहा है, क्या वो लग्नेश पर गोचर कर रहा है या फिर किसी और भाव पर गोचर कर रहा है। यदि किसी अच्छे भाव पर गोचर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपका प्रश्न है कि भाई मेरा जो है कैरियर, मेरा जो जॉब है वहां पर मेरा समय कैसा रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। अब यहां पर हमें दिखता है कि चंद्र कुंडली का मारक ग्रह कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं या बैठे हैं या फिर अभी आने वाले हैं, तो हम ये कहते हैं कि भैया तनाव डिप्रेशन की स्थिति बनने वाली है, विवाद की स्थिति बनने वाली है, प्रॉब्लम्स की स्थिति बनने वाली है, विवाद की और चिंताओं की स्थिति भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि दशम भाव पर कोई मारक ग्रह आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अष्टमेश आ रहा है, और अष्टमेश आकर के दशम भाव यानी कर्म के स्थान पर चिंताएं देगा, तनाव देगा, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को निर्मित करेगा, परेशान करेगा कर्म को लेकर के। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, रुपए नहीं मिलेंगे, या ये मतलब भी कतई नहीं है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन नौकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनेगी, परेशानी बनेगी। तो आपको जो गोचर है ना वो चंद्र कुंडली से देखना है, जो भी ग्रहों की स्थिति है वो आपको चंद्र कुंडली पर रखने हैं और उसके अनुसार आपको ये प्रेडिक्शन लेना है कि मेरी जो मन स्थिति है वो आने वाले समय में या इस समय में कैसी होने वाली है। और ऑब्वियसली मन स्थिति जैसी होगी वैसा आप बिहेव करेंगे। देखिए ना, आपकी यदि मन स्थिति यदि चिंता में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो आप वैसा ही बिहेव करेंगे दूसरों से, या तो गुस्से में बिहेव करेंगे या चीड़ में बिहेव करेंगे, फिर दूसरे भी उसी तरह से आपका बिहेव करेंगे और फिर चीजें बिगड़ेंगी। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपकी मन स्थिति जो है चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी मन स्थिति जो है वो चिंता वाली है, तनाव वाली है, डिप्रेशन वाली है, गुस्से वाली है। अब आपकी कुछ आपको रिपोर्ट देना है अपने बॉस को, कुछ चीज बताना है, कुछ चीज सबमिट करना है, आप गए सबमिट करने, थोड़ी सी आपको आपने आपके बॉस ने कुछ बोला और आप एकदम से झल्ला गए और आपने उसको कुछ रिपीट बोल दिया या गुस्से में बोल दिया, चीड़ में बोल दिया, तो आपकी तो जॉब आ गई खतरे में। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है ये सोचिए, यहाँ पर मन काम कर रहा है, यहाँ पर साइकोलॉजी काम कर रही है।
यदि आप उसी चीज को अच्छे से लेते, बॉस ने कुछ बोला उसको अच्छे से समझाते, या फिर किसी और तरह से डिप्लोमेटिकली कुछ बोल लेते, तो ऑब्वियसली आपका जॉब खतरे में नहीं आता, आप बच जाते। लेकिन अभी आपने झल्ला करके कुछ बोल दिया, आपका जॉब जो है वो खतरे में आ गया। तो ये क्या हुआ, ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हुई, मनःस्थिति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। अब चंद्र कुंडली की स्थिति यदि अच्छी होती तो मनःस्थिति डिस्टर्ब नहीं होती, आप उसको संभाल लेते। अब अगेन कहूंगा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जॉब खतरे में आ गई इसका मतलब यह है कि भाई पैसा नहीं मिलेगा या अगले ही महीने जॉब छूट जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति तो बन जाएगी, आप आराम से तो नहीं रह पाएंगे, आराम से रात में सो तो नहीं पाएंगे। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां चंद्र कुंडली की वजह से बन के सामने आती है। स्पेशली मैं कहूंगा बहुत दशाओं को आप जो है चंद्र कुंडली से ना देखिए, लेकिन गोचरों को जरूर से चंद्र कुंडली से देखना ही चाहिए। मैं गोचरों को चंद्र कुंडली से देखने की जरूर सलाह आपको दूंगा, और उसके अनुसार आप ये समझिए, उसके अनुसार आप ये अंदाजा लगाइए कि आपकी मनःस्थिति, ऑब्वियसली मनःस्थिति कैसी रहने वाली है। प्रैक्टिकली यदि आपको देखना है तो लग्न कुंडली से देखिए, और मनःस्थिति को यदि आपको देखना है तो चंद्र कुंडली से देखिए, और उसके बाद में आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या होगा। उदाहरण के तौर पर कई लोग ये कहते हैं, सर जॉब जो है यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे और क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली यदि इंसान जो होता है वो आगे बढ़ने की सोचता है तो मैं उसे हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कहीं ऐसे योग नहीं है। उदाहरण के तौर पर पिता का बिजनेस किया जा रहा है, अब उसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति बोलता है सर पिता का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको जो है वो मनःस्थिति को सही करना चाहिए, साइकोलॉजी को सही करना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी आपकी चंद्र कुंडली है, आप ये समझ के रखिए, आपकी सोच जो है वो आपकी चंद्र कुंडली है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यदि हैं तो आपकी चंद्र कुंडली है, साइकोलॉजिकल कुछ अच्छी चीज आप में है तो आपकी चंद्र कुंडली है, आप में पॉजिटिविटी है तो वो आपकी चंद्र कुंडली है, आप कहीं पॉजिटिविटी फैलाते हैं तो वो आपकी चंद्र कुंडली से देखा जाएगा, आप कितने सकारात्मक है ये आपकी चंद्र कुंडली से देखा जाएगा, आप कितने नकारात्मक है ये आपकी चंद्र कुंडली से देखा जाएगा। और ऑब्वियसली आप जैसे हैं फिर वैसे ही आपका कैरेक्टर बनेगा, आप जैसे हैं वैसे ही आपका कैरियर बनेगा, आप जैसे हैं वैसे ही दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही आप खुद की भी इज्जत करेंगे, और आप समाज में वैसा ही नाम अपना बना करके रख पाएंगे। तो ये चंद्र कुंडली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब मैंने यहां पर आपको यह नहीं बताया कि कोई ग्रह यहां पर बैठेगा तो आपके साथ ऐसा होगा, जो नॉर्मली वीडियोस में मैं आपको बताते रहता हूं, कुंडली के दूसरे भाव में यदि यह बैठेगा तो ऐसे होगा, कुंडली के तीसरे भाव में यह बैठेगा तो ऐसे होगा, ये मैंने चीजें यहां पर नहीं बताई। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है ये मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और इसके बहुत सारे एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने एक सिद्धांत आपको बताया। इस सिद्धांत के तौर पर आप ये खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से मेरे जो गोचर हैं वो मेरी मन स्थिति को खराब कर सकते हैं या फिर अच्छा कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि मन स्थिति को अच्छा रखने का प्रयास करें, क्योंकि वही सब कुछ है। देखिए प्रैक्टिकल उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, मेरी जॉब लगी, जॉब छूटी, कहीं पैसा आज कम मिला बिजनेस में, कल ज़्यादा मिला, ये चलता रहता है। लेकिन यदि आज पैसा कम मिला और मैं डिप्रेशन में आ गया तो कल पैसा ज़्यादा मिले इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मनःस्थिति को जो सुधारना है वो चंद्र कुंडली को देख करके आपको सुधारना है। चंद्र का भी आप गोचर देखिए चंद्र कुंडली में, लग्नेश का जो लग्नेश है चंद्र कुंडली के, उनका भी गोचर आप देखिए चंद्र कुंडली में, तीसरे छठे आठवें या बारहवें भावों के स्वामियों का गोचर आप देखिए, यदि वो किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं तो जरूर से प्रॉब्लम आपको महसूस होगी, यदि गलत तरह से प्रभावित कर रहे हैं तो। और ऑब्वियसली अच्छी तरह से यदि लग्नेश कहीं अच्छे भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं, यदि चंद्र कहीं अच्छे भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं, यदि अच्छे भावों के स्वामी यदि लग्न पर या बहुत अच्छी तरह से गोचर कर रहे हैं तो ये जरूर से आपको खुशी देगी, प्रसन्नता देगी, और ऐसे समय में आपकी उन्नति फिर तय है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करेंगे, वो चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन उस तरह के समय में। यहाँ पर सुंदरकांड में भी एक जिक्र आता है, उसमें भी हनुमान जी महाराज जो हैं वो एक जिक्र ये आता है कि हनुमान जी महाराज बड़े ही उत्साहित होकर के चले और वो लंका में गए। और ये जो उत्साहित वर्ड है ये साइकोलॉजी से निकल के आया,
कि यदि साइकोलॉजी में उत्साह यदि आया तो इंसान जो है वो सफल होता है, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं समझता हूं चंद्र कुंडली के अनुसार अपनी मन स्थितियों को आपको सुधारना चाहिए, उत्साहित जीवन में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें कम होती रहती हैं, ज्यादा होती रहती हैं, उस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते। बीमार आपको पड़ना है, पैसा कम या ज्यादा होता रहेगा, खर्चा होता रहेगा, कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ ना कुछ मतभेद होते रहेंगे, ये तय है। लेकिन साइकोलॉजी, यदि मन को खुश रखा, मन को प्रसन्न रखा, मन को शांत रखा, तो ये आपकी जीत है। और ये यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी ही सब कुछ है। तो मुझे चंद्र कुंडली के बारे में आज इतना ही बताना था। आगे और कभी हम चंद्र कुंडली पर चर्चा करेंगे, और भी कुछ सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैंने बेसिक चीज आपको बताई है। इस बेसिक चीज को समझ के आप खुद पर इसे अप्लाई करके आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले समय में मेरी जो मनोदशा है, आज के समय मेरी मनोदशा, इवन आप ये आने वाले 2 से 2.5 दिन बाद की भी मनोदशा को जो है वो समझ पाएंगे चंद्र कुंडली से। क्योंकि जो चंद्र है उनका जो राशि परिवर्तन होता है लगभग लगभग 2 से 2.5 दिन में होता है, तो आप आने वाले 2 से 2.5 दिनों में भी अपनी मनोदशा को समझ पाएंगे। कल पेपर है तो कल जो है मैं किस तरह से दे पाऊंगा, कल अच्छा पेपर आएगा या फिर ज्यादा कठिन आएगा, या आने वाले 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पेपर है, तो चंद्र का स्थिति आप देख लीजिए। चंद्र का स्थिति आप देख करके आपको पता चलेगा, ये अष्टम भाव छठे भाव में यदि कहीं चंद्र आता है तो ऑब्वियसली आपको चिंता आना है, तनाव आना है, डिप्रेशन का स्थिति आना है। लेकिन कहीं अच्छी जगह पर चंद्र आ गया, मित्र राशि में आ गया, लग्न पर ही आ गया, तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा उस समय आपका जो मन स्थिति होगा, आप कुछ भूलेंगे नहीं। अक्सर होता है ना, पेपर आता है और हम चीजें भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो चंद्र कुंडली को देख करके, उसके गोचरों को देख करके आप ये अंदाजा लगाइए कि आने वाला जो समय है वो कैसा होने वाला है। हालांकि पहले ही मैंने ये चीज कही कि अभी के जो ये वीडियो है इसमें मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊंगा, और हम चर्चा करते रहेंगे चंद्र कुंडली को लेकर के, क्योंकि लग्न कुंडली पर तो कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, कई सारे। तो चंद्र कुंडली पर एक वीडियो बनाना मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही है, लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, कुछ समझानी थी, वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे आप बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसको और हम आगे बढ़ाएंगे, और मैं आगे और चीज़ें चंद्र कुंडली को लेकर के आपको बताऊंगा। और यदि कुछ लगा है, कुछ कमी है, तो वो भी मुझे बताइए, बेशक मुझे बताइए, उस चीज में मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, किसी के भी द्वारा नहीं बताई जा सकती। चलिए आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के भी और दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के भी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।